मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिर आराम से देखता हूँ। अभी क्या, अभी क्या आराम से देख रहा था? नहीं, आराम से फिर देखूंगा ना कैसे क्या हुआ। इसके बाद क्या है जो आपका, अभी तो फिलहाल ये गंदे गुंदे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम करते हैं आपका विजय सर ने टेबल सेटअप। अब टेबल सेटअप के ऊपर पहले आया बेस क्लॉथ, फिर आया आपका टेबल क्लॉथ। अब टेबल क्लॉथ आया तो हमने टेबल क्लॉथ में हमने क्या पढ़ा था कि टेबल क्लॉथ का जो जो क्लॉथ है वो आपका प्रॉपरली आयरन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई स्टेन नहीं होना चाहिए, रिंकल्स नहीं पड़े होने चाहिए। जो ड्रॉप है इसका, इट हैज टू बी बिटवीन 9 to 10 to 12, है ना? ये जो ड्रॉप है यही था, yes, और कहीं से फटा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद कई जगह पे इसमें ब्रेसलेट लगाते नियम, बट अभी हमारा पढ़ा इसलिए हम लगा देंगे। इसके बाद क्या लगता है, रनर लगता है, बिछता है रनर। जो एक फॉर्मल टेबल सेटअप में अगर आप टेबल क्लॉथ लगा रहे हो तो आपका क्या लगता है, रनर टेबल क्लॉथ के ऊपर। फिर प्लेसमेंट नहीं लगता। प्लेसमेंट आपके ज्यादातर कहां यूज होते हैं? कॉफी शॉप, कॉफी शॉप में। वहां पे टेबल क्लॉथ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां पे गेस्ट बहुत, गेस्ट की मूवमेंट बहुत होती है, बहुत सारे आते हैं। तो अगर एक टेबल पे अगर हम 100 लोग बैठ गए तो 100 बार में ये चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आती है और गेस्ट भी वहाँ पे रिफाइंड नहीं आता, इजीली साफ भी हो जाता है सर, ये टाइम लगता है इसमें। मैक्सिमम कॉस्ट है इस वाले में, और ये हम स्पेशल लोगों के देते हैं, वो स्पेशल टेस्ट उसके रखा होता है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर नॉर्मली जो लगता है रनर लगता है। अब रनर देखना पड़ता है, या तो आप रनर इस तरफ बिछा दीजिए, रेक्टेंगल में होता ना, लंबे लंबे शेप में, तो वो या तो आप इस या एक सेंटर पे लगा दो सिंपल सा है, और यहां सेटअप कर दो, या इधर इधर एक रनर यहां लगा दो, एक रनर यहां लगा दो, ताकि उसके ऊपर हम कटलरी बिछा दें, ठीक है जी। अब फिलहाल के लिए अभी वी आर टेकिंग प्लेसमेंट्स, फिलहाल के लिए वैसे लगते नहीं है। प्लेसमेंट्स लग गए, प्लेसमेंट्स हमारे जब लगते हैं वो ऑलमोस्ट सेंटर में लगने चाहिए, ऑलमोस्ट पता लग जाता है, यहाँ पे प्रॉपर स्पेस, यहाँ प्रॉपर स्पेस, यहाँ भी प्रॉपर स्पेस, सेंटर है जी। कॉफी शॉप में, कॉफी शॉप में ये अभी कौन सा टेबल है, रेक्टेंगल टेबल है। कॉफी शॉप में होते हैं स्क्वायर टेबल, एक टेबल पे 4 लोग बैठ सकते हैं, तो वो चारों साइड्स बराबर होगी अप्रोक्सीमेटली। अभी ये क्या रेक्टेंगल है, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ वो नहीं आएगा, मतलब इसमें वो आएगा ही, ये इसकी जो लेंथ है वो बड़ी है और जो ब्रेथ है वो छोटी है, सेम है ना, ये सेम, ये सेम, ये सेम, वो सेम, तो दिस इज रेक्टेंगल टेबल। स्क्वायर जैसे ये है, ये भी आपका प्लेसमेंट भी आपका ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ही है, ये भी रेक्टेंगल है, इसकी इसकी साइड बराबर, इसकी साइड बराबर, चारों साइड से जो होगा ठीक वो बनेगा आपका स्क्वायर टेबल। रेक्टेंगल टेबल होते हैं आपका, स्क्वायर टेबल होते हैं मेरे पास, और बैंक्वेट में ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, सर सर तो गोल वाले, ओवल, सेमी आर्क भी यूज करते हैं अलग अलग टेबल में, बाकी सेटअप कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए समझो कि आपका लग गया। अब सबसे पहले कुछ नहीं करना होता टेबल पे, हमने जो रखना है एबीसी रखना है, सबसे पहले हमने शुरू कर दिया एबीसी से, और बाकी हमने कुछ नहीं करना। एबीसी बोला तो एस्ट्रे बट बेस एंड क्रूवर्ड सेट, एस्ट्रे हमने रखी नहीं, बट बेस लिया और क्रूवर्ड सेट लिया। अब बिफोर वी कीप दिस थिंग ऑन द टेबल, हम पहले चेक करते हैं ये जो आपका जो सिरामिक का है, जो भी है ना बेस है, इसको हम प्रॉपरली क्लीन करें, क्लीन करें। क्यों? कई बार गेस्ट इसके ऊपर स्टेन लगा देता है, हाथ लगा देता है, हल्दी वल्दी के जो भी होते हैं हमारे लग जाते हैं हाथ, तो वो नहीं होता, ये प्रॉपरली वाइप अप होके सेंटर पे लग जाता है। अगेन ये भी ध्यान रखना होता है व्हेन वी रिले द टेबल, क्योंकि गेस्ट एक बार खा के चला गया, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो यूज किया हुआ है सॉल्ट एंड पेपर है, स्पेशली द पेपर्स, इसके ऊपर वाइट वाइट से जो आपका रिमेन्स रह जाते हैं, तो वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और बिफोर वी पुट
इट ऑन द टेबल, हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है कि भाई साहब निकल भी रहा है नहीं निकल रहा, मैक्सिमम टाइम नहीं होता, गेस्ट मर जाता है, गेस्ट खुद करता है, इट डजंट लुक नाइस। तो आप इसको प्रॉपरली चेक करके ही, ये हमेशा पेयर में रहेगा, मेल फीमेल आप लेने जो भी लेना है, इसको हम हमेशा साथ रखेंगे, अलग नहीं करते। एस्ट्रे है नहीं हमारे पास इंडिया भाई, बर्ड बेस आ गया आपका, कुर्बेट सेट आ गया आपका, ठीक है जी। एस्ट्रे भी आप सेंटर में ही रखते हैं सर, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में पार्ट वाले जो फ्लोर है ओरिजिनल हो गए ना, ज्यादातर जो आपके सेंटर पीस होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, वो देखते कई जगह पे हम रख देते हैं नकली नकली से, बट मैक्सिमम आपके वो उसी में होते हैं जो आपके नेचुरल, ठीक है जी। कई होटल्स में शाम के टाइम यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है, वो होती है कैंडल्स, छोटे से छोटे से बाउल्स में वो कैंडल, टी लाइट कैंडल्स डालते हैं, हल्का सा पानी डाल दिया, पत्ते पुतिया डाल दी और चलो भी रोमांटिक, ये स्पेशलिटी में होता जाता है, बीएनबी प्लेट का दूसरा नाम साइड प्लेट और हाफ प्लेट। अब ये ध्यान रखना है, ये आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अभी गंदी है नहीं चलेगी, ठीक है जी। तो आप इसको यहाँ भी नहीं चलेगी, वाइप करेंगे, वाइपिंग आती है आपको? यस सर, मुझे लगता आती है, चल रही नीट करके दी ये ध्यान रखना है कि इससे हमारी हाफ इंच पीछे हो, हाफ इंच पीछे होती, क्यों? क्योंकि भाई एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, गिर जाएगी नीचे, हल्का सा यूं रहेगी, मैं बैठा टच हुआ खड़खड़खड़, और ये तो फिलहाल प्लास्टिक की है, वो सिरेमिक्स की होती है, उसके ऊपर कटलर बच गई तो खड़खड़ बड़ी आवाज आती है, बड़ी बड़ी आवाज आती है, तो इसको यूं रख दिया। अब इसके बाद आपने क्या किया, नाउ इट्स टर्न फॉर द कटलरी। अब कटलरी जब हम प्लेस करते हैं तो वो हमेशा हम जो लेके आते हैं, या तो आप सालवर में लेके आएंगे, सालर में लेके आएंगे, या अब लेके आएंगे क्लॉथ में, द बेस्ट पार्ट इज आपका जो आपने लेके आनी है वो आप उसको सालर में लेके आए, ठीक है जी। सालर में आपका एक नैपकिन बिछा होगा, नैपकिन के ऊपर आपने कटलर रखनी है, फोक एक तरफ, स्पून एक तरफ, सेंटर में नाइफ, वट एवर यू प्लेस ऑन द साल्वर हैज टू बी नीटली प्रेजेंटेड, बिकॉज यू आर टेकिंग इट टू द रेस्टोरेंट, गेस्ट के सामने लेके जा रहे हो, कहीं कुछ ही फेंक दिया और लेके घूम रहे हो यूं करके, गेस्ट की नजर में आया तो वो आप उसको एक तरफ फोक, एक तरफ आपका स्पून और बीच में नाइफ, नाइफ क्यों करते हैं, नाइफ स्किड करते हैं, स्किड करते हैं, तो इसको हम स्पून और फोक से चिपका के रखते हैं ताकि ये आगे पीछे ना गिरे, ठीक है जी। अब हमेशा ये ध्यान रखना, अब ब्रेकफास्ट सेटअप की बात कर रहा हूं मैं, ब्रेकफास्ट की सबसे पहले फोक आपका लेफ्ट, अब ये भी ध्यान रखना है कि फोक के जो ये क्या है, ये टाइम्स है, दत्ते धंधे है ना, धंधे बोलते दत्ते, अब ये इसके अंदर जो है इसके अंदर डर्ट होती है ना, फंस कई बारी, तो इसको आपको ध्यान रखना, कई गेस्ट बड़े कुत्ते गेस्ट होते हैं समझ लो हमारे हिसाब से, भाई सूंघते भी है कटलरी, किसी साला कहीं से भी उठा के तुम दे दी, कई लोग चेक करते हैं कटलरी, बड़े लोग होते हैं हाइजीनिक जो जिनको फोबी होता है ना वो देख रहे हैं, तो हमेशा हम कटलरी
पकड़ते कहां से उसकी नेक से, ये यहां सेंटर से। तो फोक्स हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड, चाहे जो मर्जी सेटअप है, फोक हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। सिर्फ एक ऐसा फोक जो कि ऑयस्टर फोक होता है वो आपका आता है राइट हैंड साइड पे, उसके अलावा बाकी सारे सारे जितने फोक्स होंगे वो आपके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट सिर्फ बता रहा हूं आपको। अब इसके बाद हम जो नॉर्मली ब्रेकफास्ट में जो सेटअप करते हैं वो आपका ये सेटअप होता है। ये ब्रेकफास्ट सेटअप हो गया आपका, बस का एक एपी स्पून, एक एपी फोक और एक एपी नाइफ ब्रेकफास्ट में, जहां मैक्सिमम आप लेके चलो। अब फोक एंड स्पून आपके जितनी भी जो 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 हम आप ना जो ब्रेकफास्ट करते हैं, चाहे वो आप ऑमलेट की प्रिपरेशन खाओ, या कोई टोस्ट खाने हैं, या आपने कोई वोफल्स खाने हैं, पैनकेक्स खाने हैं, चिकन सॉसेजेस खानी है, कुछ भी खाना, चीज़ खानी है, उसके लिए यू यूज दिस। बाकी जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं वो आप इसको, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया दूध के साथ खाते हैं ना, कट फ्रूट आप इससे खाओगे, ऑब्वियस चीज़ है। अगर इडली सांभर है तो उसके ऊपर आप इडली को उसको इससे खा लेते हो, कॉर्नर तो इससे खाते हैं फिर भी, वो सब लिक्विड चीज़ जो है वो आपके स्पून से खाएंगे। बाकी जितनी भी जो अदर चीज़ें हैं, सेमी सेमी ग्रेवी जो ग्रेवी चीज़ें हैं वो आपकी फोक और नाइफ से खा जाती है। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब एक और चीज़ लगती है यहाँ पे, वो लगता क्या है आपका, बटर नाइफ। बीएनबी के ऊपर बटर नाइफ, बीएनबी प्लेट के ऊपर है ना। अब इसके बाद आपका नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट का जो सेटअप रहता है, एक और ब्रेकफास्ट में क्या लगती है, क्या लगता है ब्रेकफास्ट में, प्रिजर्व लगते हैं, लगते प्रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा, प्रिजर्व्स क्या होते हैं बता जरा, वो जो इधर खोए से। हां जी, हनी जैम मान लेना है ना, हनी जैम, हनी जैम। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे अभी बोला था हरी रखने के लिए कुछ, अभी मैं इसको इस के लिए यूज ही करूंगा या इसको रख लेता हूं बाद में। हनी जैम ऑमलेट के लिए मैंने प्रिजर्व रख दिया यहां पे। इसके अलावा एक और चीज जो रखी होती है वो रखी होती है बटर डिश, है ना, बटर डिश रखी होती है। बटर रखने के लिए आपकी डिश है, इसके अंदर तीन कंपार्टमेंट होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जो तीन चीजें होती हैं, एक आपका अंडरलाइनर, जो बटर का डिश का अंडरलाइनर होता है वो भी है इसके अंदर। दूसरी चीज ये आपकी जो स्ट्रेनर है, इसके नीचे हम रखते हैं आइस और उसके ऊपर बटर। आइस क्यों रखते हैं, ताकि आपका बटर पिघले ना, ठंडा रहे। ठीक है, तो इसके नीचे आइस और इसके ऊपर बटर, और आपका साथ में आपका बटर रहे इधर लगा होता है। ठीक है, डन, क्लियर। अब इसके बाद आपने रखनी क्या है ब्रेकफास्ट में, और क्या होता है, और क्या होता है ब्रेकफास्ट में, आम ठेवी तक हाँ सर, चाय कॉफी के लिए, चाय कॉफी होती है ना, हमने कहा चाय कॉफी देनी देनी है ब्रेकफास्ट में, बिना चाय कॉफी के तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट है नहीं, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरनर है। अब जो टी कॉफी का जो सेटअप है, टी कॉफी का सेटअप आपका हमेशा लगता कहाँ पे है, राइट हैंड साइड, इस तरफ, या आप इस तरफ रख लीजिए। कई लोग ऐसे रखते हैं तो स्पून को इसकी तरफ, कई लोग स्पून इस तरफ रखते हैं। इसकी जो नोजल है, जब मैं यहाँ बैठूंगा तो मैं ब्रेकफास्ट में जब चाय लूंगा तो इस कप से पीऊंगा। अब वो लेफ्ट राइट जो भी है, बट हम सेटअप में इसको रखते हैं ब्रेकफास्ट के, टी सेटअप यहाँ पे है, चाय यहाँ आ गई। अब चाय के साथ में क्या जाता है भाई, शुगर कैंडी, ऑब्वियस सी बात है, शुगर बेसिन या शुगर कैंडी आपकी सेंटर पर। शुगर कैंडी के लिए कौन कौन सी शुगर जाती है, ब्रेकफास्ट शुगर, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर एंड शुगर फ्री, तीन चीजें जाती जाती हैं, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर एंड शुगर फ्री।
हम गेस्ट को ऑप्शन देते हैं कि भाई साहब दो दो से चीज लेनी है ले लीजिए। ब्रेकफास्ट शुगर का नाम वाइट शुगर, ठीक है, होती है पाउडर फॉर्म में, ठीक है जी। दूसरी चीज आपकी जो ब्राउन शुगर है उसको बोलते हैं दबेरा शुगर। उसके बाद आ गई आपकी शुगर फ्री, जो कि इटसेल्फ शुगर फ्री ब्रांड है और एक स्प्लेंडा है, इक्वल्स है, अलग अलग ब्रांड है, वो आपको बताया था मैंने पहले भी। तो अब आपका क्या क्या सेटअप लग गया। अब एक चीज इसमें अप्रोक्सीमेटली जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा, अब ग्लासेस जब हम देखते हैं तो अब ये ग्लास रखने लायक है ही नहीं, ये इसको नीटली क्लीन करना होता है। अब इसको वाइप करने के लिए क्या तरीका होता है कि आप क्या करते हैं, थंब का इस्तेमाल करते हैं आप, जितना ये वाइपिंग शीट है नहीं है सच, आप इसको अंदर डाल के इसको रोटेट करते हैं जेंटली। ये तो बहुत मोटा ग्लास है, ऐसे ऐसे ग्लास भी मिलेंगे आपको जो कि हल्का सा ज्यादा प्रेशर लगाया तो ग्लास क्रैक, हाथ पे भी लग गई, वो जेंटली करते हैं जैसे वाइन ग्लासेस होते हैं आपके बिल्कुल ही। तो ये आप इसको जब जब वाइप करते हैं आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप ग्लास को टच ना करें, आप कोई भी कटलरी कुछ होती है तो इसको आप यूं बाहर से भी होता है और अंदर से भी हो जाएगा, पहले से थोड़ा बेहतर है क्योंकि अभी ये वाइपिंग शीट है नहीं, वाइपिंग शीट अलग से कॉटन शीट होती है, उससे क्या होता है वो सारा सारा अब्सॉर्ब हो जाता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हाथ नहीं जाते, आगे तक नहीं जाते, तो उसके हम क्या करते हैं एक हल्का सा फोक लेके फिर इसको नीट एंड क्लीन इसको हल्का दबा के पहले से बैठ जो कि बस फिल्म का कैमरा मैन है। अब इसको आपने रखा फिर कहाँ, इधर। अब क्या था आपका ये नॉर्मली आपका एक हल्का सा ब्रेकफास्ट का सेटअप होगा। ब्रेकफास्ट सेटअप में क्या आया, एपी स्पून, फोक, नाइफ, साथ में बीएनबी प्लेट, बटर नाइफ, साथ में आपका प्रिजर्व्स आ गए, आपका शुगर कैडी आ गई। शुगर कैडी का दूसरा नाम है शुगर बेसिन, ठीक है जी। ये आपका शुगर कैडी है और ये आपका है शुगर बाउल। यहाँ इसके अंदर आप जो क्यूब्स है शुगर के वो डाल सकते हो, या इसमें आप नॉर्मली चीनी, जो घर की जो चीनी होती है, जो दानेदार चीनी होती है, वो डाल के उसको आप स्पून के साथ उसको गेस्ट को सर्विस कर सकते हो। ये जो शीश, ये यहाँ इसके अंदर जो चीनी डलेगी वो डलेगी सैशेस में, पाउचेस होते हैं ना पाउच, उनके ऊपर होता जिसका ब्रांड है लोगो होटल का, जैसे ताज का है तो ताज का ब्रांड लगा होगा उसके ऊपर, लिखा होगा शुगर के ऊपर और आपका। और लास्ट में यहाँ पे एक और चीज लगती है, वो लगती है टेंट कार्ड। टेंट कार्ड लगता है, टेंट कार्ड बोले कोई भी प्रमोशन कुछ आपका होटल कर रहा है या कुछ एडिशनल आप सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आपका टेंट कार्ड उसके अंदर लगेगा ठीक है जी। तो बेसिकली आपका एक टेबल ब्रेकफास्ट का टेबल सेटअप आपका हार्डली इसी तरह होता है। इसके बाद जूसेस के लिए ग्लासेस आपके जहाँ पे बफे लगाओ वहां पे लगेंगे, ठीक है। चाय कॉफी के लिए आपके ऑर्डर लग दिया, अलग काउंटर होता है, ठीक है जी। इसके अलावा आई थिंक, आई डोंट थिंक कि कुछ और लगता है, हनी, जैम, मार्मलेड, कई केसेस में केचप हम साइड डिश में रखते हैं, तो इसको मस्टर्ड हम साइड डिश में रखते हैं, जब गेस्ट की डिमांड होता है उसको हम टेबल पे रखते हैं एज सच कंप्लीमेंट जैसे करते हैं, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट खत्म हो गया काम। ब्रेकफास्ट के बाद जब लंच आएगा हमारा, अभी ये चल रहा है किसका, कॉफी शॉप का चल रहा है। अब लंच आएगा तो हमने प्रिजर्व्स निकाल दिए, शुगर कैडी निकाल दी, कप्स निकाल दिए। ब्रेकफास्ट का आपने सेटअप निकाल दिया। अब जो गेस्ट सुबह आया था ब्रेकफास्ट में वो कहता है यार सुबह मैंने ये सेटअप देखा, अब लंच आ गया, लंच में मेरे को ये दिख रहा है, कुछ चेंज नहीं करता, तो हम क्या करते हैं एक चीज हटा देते हैं, फिर हम अपना सेटअप यू रखते हैं। अगेन एपी फोक, एपी फोक, एपी स्पून और एपी नाइफ राइट साइड में आ जाएंगे सर, ये बेटर होगा। फॉर्मल नहीं, अभी इनफॉर्मल चला हुआ है, कोई सीक्वेंस नहीं चला हुआ है, अब इसमें नॉर्मली हमने ऐसे रखते हैं, हम डिजाइन बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो ग्लासेस होते हैं, अब इसी के पैरेलल हमने यहाँ करना होता है, ये आमने सामने मिलने चाहिए तिरछे,
ये ग्लास और इसके ऊपर जो ग्लास लगा होगा वो आपस में क्रॉस करने चाहिए एंगल में, जैसे इसकी एज उसकी एज है ना सामने सामने, तो वैसे ही ये भी होना चाहिए। अब ये ब्रेकफास्ट लंच का हो गया। अब ब्रेकफास्ट के नैपकिन फोल्ड्स भी होते हैं, लंच के नैपकिन फोल्ड अलग होते हैं, डिनर के भी नैपकिन फोल्ड अलग होते हैं मैक्सिमम, वो आपको याद रखने हैं। ब्रेकफास्ट में बुक फोल्ड होता है, जो भी होता है, लंच में डिनर में थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बाकी ब्रेकफास्ट में ईजी होते हैं, ताकि क्या होता है ज़्यादा टाइम ना लगे और क्योंकि गेस्ट का फ्लो ज़्यादा होता है तो उसमें हम सिंपल फोल्ड रखते हैं, टेंट फोल्ड हो गया, जो बर्फी फोल्ड है वो हम करेंगे बस, मेमोरी फुल हो जाएगी। ठीक है जी, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहेगा, लंच हो गया डिनर में ऑलमोस्ट ऐसे रखते हैं। अब जब बारी आती है किसकी, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बारी आती है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की बारी आई तो अब यहाँ पे हमने करना है कोर्स वाइज, थ्री कोर्स या फोर कोर्स या फाइव कोर्स मेन्यू सेटअप करना है, तो अगेन बीएनबी आपकी राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, आपका साथ में फोक नाइफ रखा जो भी रखना है। अब जितने भी फोक्स हैं वो आएंगे इस तरफ, अब थोड़ा कटलरी भी बहुत चाहिए होगी। हमने पहला कोर्स कौन सा बोला था, सूप ना, तो हम जो है फॉर एग्जाम्पल सूप स्पून है, सूप हमने पहले रख दिया, सूप स्पून, सूप स्पून आ गया, सूप के बाद क्या आएगा, सूप के स्पून के साथ तो कोई फोक जाता नहीं है भाई, नाइफ जाएगा ही नहीं, तो एक इंडिपेंडेंटली सूप स्पून आ गया। सूप स्पून होता है गोल सा, कभी आपने देखा होगा पिया होगा, है ना, वो चाइनीज वाला नहीं, कि प्लास्टिक वाला वो नहीं, दूसरा वाला गोल, है ना। सूप स्पून आ गया, इसके बाद क्या आता है, सूप के बाद क्या आएगा, सैलेड या स्टार्टर। अब सैलेड और स्टार्टर के लिए यू हैव नाइफ, सैलेड नाइफ एंड सैलेड फोक या स्टार्टर फोक। इसके बाद क्या आया, मेन कोर्स, मेन कोर्स के लिए फिर नाइफ, और मेन कोर्स फोक, अभी गंदा है, इसके बाद क्या आया, डेजर्ट आया। अब डेजर्ट कहाँ रखेंगे भाई, सामने ऊपर, है ना। अब डेजर्ट जहां पे फोक है, अब ये लेट्स सपोज फोक यहां रखा, अब इसको घुमा के इधर ले जाओ, बारी आई स्पून की, स्पून आपका घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। अब स्पून और फोक जो है बराबर होते हैं, फिलहाल मैं इसको समझो इस तरह से रखना, ठीक है। अब जो ग्लासेस होंगे वो आपके जाएगा किसके ऊपर, यहाँ स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, इसको आप इसके नाइफ की एज पे हाफ इंच पीछे, सूप सैलेड या स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट, ठीक है, फॉर्मल में क्लियर हुआ। हमने ये भी पढ़ा था कि एक टेबल के ऊपर हम एक कवर पे मैक्सिमम तीन ग्लासेस या तीन ग्लासेस से ज्यादा नहीं रखते, ऑन डिमांड होता है उसके बाद कोई भी ऑर्डर होता है। तो एक तो आपका वाटर ग्लास हो गया या वाटर गॉबलेट हो गया, एक हो गया आपका रेड वाइन या व्हाइट वाइन ग्लास, एक हो गया आपका शैंपेन ग्लास, शैंपेन फ्लूट, शैंपेन टुलिप जो भी है वो आप रखेंगे। इसके अलावा कुछ और जो कुछ भी ऑर्डर करता है वो आप उसको ऑन डिमांड ला के देंगे, ठीक है जी। अब अभी क्या है, अब इसके बाद अगर टी कॉफी भी आता है तो टी कॉफी हम अभी फिलहाल के लिए प्लेस नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा सूप सैलेड स्टार्टर में इंक्लूड करने के लिए। और अब यहाँ पे आपकी आ जाती है एक शो प्लेट होती है, शो प्लेट सर्च करना इंटरनेट पे, शो प्लेट कहते हैं उसको, फॉर्मल टेबल सेटअप, जिसको ये भी कहते हैं चार्जर के नाम से भी कहते हैं, चार्जर CHARGER चार्जर, ध्यान रखना शो प्लेट। उस शो प्लेट के ऊपर हम बाकी का सेटअप करते हैं। तो बेसिकली सूप सैलेड स्टार्टर मेन कोर्स और डेजर्ट। अब सूप पिया,
जो भी सूप आएगा मैं बैठा, फॉर एग्जांपल मैंने सूप पिया, सूप फिनिश हो गया, ये क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो मैंने सूप नहीं पिया, मैं कहता सूप नहीं पीना, अगला कोर्स ले आओ, ये मेरे को बेवरेज पीनी है, सूप की जगह हमने सूप को लगा रखा था, उसने बेवरेज पी ली, फॉर एग्जांपल आप उसको उसके लिए बेवरेज ले आए, कोई मॉकटेल ले आए, सूप पी था, मैंने मॉकटेल पिया। अब मॉकटेल पीने के लिए या तो आप उसके अंदर स्ट्रॉ डाल के ले आते खुद अपने आप, या आप साइड में स्ट्रॉ देते हैं उसको, ताकि वो उसको स्पेशली इनकेस ऑफ जूसेस, जूसेस में हम जो भी फ्रेश जूस होगा, कैंड जूस होगा, उसके साथ हम स्ट्रॉ डाल के लाते हैं, उसके लिए हम स्ट्रॉ होल्डर और स्ट्रॉ देते हैं साथ में। अब उसने सूप पिया, जूस पिया, कर दिया, चलो ले गया, क्लियर कर दिया, ठीक है, अब क्लियर कर दिया। अब जूस आया है तो जूस के साथ में अंडरलाइनर भी आएगा, है ना, पोस्टर, ताकि ये टेबल गंदा ना हो, वाटर रेपल्स गिर रहे हैं तो ये उसके ऊपर रहेगा। अब ये सूप उसने जूस ने क्लियर कर दिया, अब सूप तो उसने पीना नहीं है, अगला कोर्स आ रहा है, तो ये कटलरी यूज नहीं हुई है, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगी, बिफोर द नेक्स्ट कोर्स कम्स ये सूप स्पून आपका हट जाना चाहिए, देखो यूज हुआ ना हुआ, क्लियर हुई, है ना, हट गया ये। अब फॉर एग्जांपल उसने सूप पिया चला गया, अब अगला आया सैलेड या स्टार्टर, हम कैसे जाते हैं बेटा निशान, बाहर से अंदर आते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से हम अंदर को आते हैं, बाहर से हम अंदर की तरफ आते हैं, तो पहले हम, अब ये रहा सैलेड फोक, ये स्टार्टर और नाइफ और ये फोक हमने, अगला स्टार्टर आ गया आपका, जैसे खाया मैं लेफ्ट राइट ही, मेरा उल्टा हाथ है, नॉर्मली आप ही पकड़ोगे, पकड़ने का स्टाइल भी आपका अलग होता है, ये लेफ्टी है तो नहीं पकड़ता, कोई भी चीज है काटनी है फिर से करके फिर से खाते हैं, जो बेसिक एटिकेट है, डाइनिंग एटिकेट है, वो कहते हैं ना कि बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नैपकिन यूज करना तो हल्का साइड से यूज करते हैं, पूरा नैपकिन गंदा नहीं करते, पूरा मुंह नहीं पोंछते, है ना, गंदा हो गया, तो जो है आप जो भी कटिंग करेंगे इससे करेंगे, और इससे हिट करके इसकी हेल्प से अगर उठाने उठे रहा तो उसको और करके फिर खाते हो, और फिर कटलरी हाथ में नहीं पकड़ रखते, घूमते रहते हो, खाया मुँह में और पकड़ रख ही नहीं है, खाना हम खाते हैं आराम से, ठीक है जी। फिर ये कोर्स खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टर भी चला गया, या फॉर एग्जाम्पल स्टार्टर में मैंने नाइफ यूज नहीं किया, फोक फोकी करके खा गए, तो अगेन ये यहां से उठ के प्रेजेंस में आउट, फिर आया मेन कोर्स, खाया, फिर आया डेजर्ट। अब डेजर्ट जब यहां आ गया तो हमने क्या बोला था, डेजर्ट के टाइम पे अब डेजर्ट का टेबल सेटअप पे लगाने के लिए इससे पहले हमें उसको देना पड़ेगा फिंगर बाउल, अगर इंडियन खाना खाया है उसने तो, हाथ गंदे नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं है, अगर अब ऑब्वियसली बात है रोटी खाएगा, रोटी को ब्रेड से भी उससे भी खाएगा, काटेगा नाइफ नाइफ और फोक से, ये दाल में डिप कर रहा है तो हाथ तो आपका लगेगा, लगे होंगे, अब हाथ लग गया तो उसके हाथ गंदे होंगे, तो यू विल गेट अ फिंगर बाउल, फिंगर बाउल में आपका लूक वार्म वाटर साथ में स्लाइस ऑफ लेमन, उसके अंदर बीज नहीं होता है, आप उसको करके चले गए। बिफोर द डेजर्ट इज सर्व आप क्या करते हैं, क्रूवर्ट सेट आपका आउट, देन टेबल की क्रम्बिंग, क्लियरेंस तो आपने कर दी, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्रम्बिंग, और क्रम्बिंग के टाइम पे आपके जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स हैं, जो भी चीजें हैं वो आप उसको उठा दोगे, क्रम कर दोगे, ठीक है, क्रम्बिंग प्लेट होती है साथ में ब्रश होता है, या आप उसको आप नॉर्मली क्लॉथ से भी कर सकते हो, ठीक है, कर दिया, इसके बाद आपका टेबल हो गया क्लीन। अब आपने वही फॉर्मेट यू करके उसके सामने ड्रामा नहीं करना, यू गाड़ी आ रही है और यू आ रही है,
यहाँ से उठा के उसको फिर दे अपना यूज़ कर। ये नहीं कि सर ने बोला ऐसे लेके जाना है, गेस्ट देख रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपने इसको वापस इसके पोजिशन पे डाला। अब डेजर्ट फोक क्यों रखते हैं हम, क्योंकि हम कट फ्रूट्स खाते हैं, कोई भी आपका डेजर्ट में नॉर्मली हम कट फ्रूट्स रखते रहते हैं। बाकी स्पून स्पून से आइसक्रीम से कोई भी चीज़ है वो इससे खाएंगे। वंस इट इज आउट, नाउ इट्स टाइम फॉर टी कॉफी, चाय कॉफी पूछेंगे, चाय कॉफी के हिसाब से अगेन वी विल गेट द सेटअप और उसके हिसाब से वी विल सर्व द टी कॉफी। ठीक है जी, खत्म। अब फिर बिल आ गया, खा पी गया और गेस्ट चला, बिल आ गया देव सर और टिप चली गई। अच्छा किराया टिप आ जाएगी, नहीं किराया तो दाल खा जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका फॉर्मल टेबल सेटअप हो गया। जब भी ग्लास को पकड़ेंगे बेस से पकड़ेंगे, ग्लास क्रिस्टल क्लीन होना चाहिए। ठीक है जी, दूसरी चीज़ ट्रूवेट सेट आपके साफ होने चाहिए।